मध्य प्रदेश के उमरिया जिले के अंतर्गत करकेली ब्लॉक के छोटी पाली गांव के निवासी बबलू बैगा 16/10/1996 को चंदिया जाते समय लोढ़ा स्टेशन की लाइन पार करते समय उसका दायां पैर मालगाड़ी से कट गया, जिससे बबलू बैगा विकलांग हो गया। ऐसे वृद्धा और विकलांग छोटी पाली के 12 लोगों हैं जिन्हें पेंशन के पात्र हैं, जिन्हें पेंशन नहीं दिया जाता। आपका फिर वृद्ध विकलांग का पैसा मिला क्या? हाँ, मेरे को विकलांग पेंशन मतलब पहले मिलता रहा, जो प्यारे लाल हमारे यहाँ का सरपंच था तो उसके जमाने में 150 रुपया मिलता रहा, तो एक पंचवर्षीय पूरा मिला है। और जो अभी ये नया पंचवर्षीय जब चालू हुआ हरिभाई सरपंच के जमाने में, तो पेंशन मिलना बंद हो गया। ये कौन सा में बंद हुआ है? ये हुआ है 8 वर्ष के आसपास। छोटी पाली के बबलू बैगा ये थोड़ा पंडा भी हैं, ये झाड़ फूंक भी करते हैं, थोड़ा उन झाड़ फूंक करते हैं, जिन लोगों ने उस झाड़ फूंक से ठीक हो जाते हैं उन लोगों ने उनको कुछ 2 पैसे चढ़ाते हैं, चढ़ोतरी करते हैं, उससे भी बबलू अपना आजीविका चलाता है। और बबलू के मतलब आगे पीछे कोई ऐसा कार्यरत है मतलब कि आजीविका चलाने के लिए नहीं है, लेकिन उसकी जो भाई लोग हैं उन लोगों ने उसके बद का भी थोड़ा सा खेती कर देते हैं, उससे भी अपना व्यवसाय चलाता है। और वो बबलू बैगा एक गरीबी स्थिति से गुजर रहा है। तो मेरे झाड़ फूँक के द्वारा इन्हें माँ भगवती के आशीर्वाद से वो ठीक होकर जाते हैं, तो इसमें जो भी 1 पैसे 2 पैसे वो दान दक्षिणा करते हैं। इन्हें मांगता किसी से नहीं और ना किसी को सताता हूँ। जिनकी हार्दिक इच्छा हुई तो माँ भगवानी के दरबार में 1 पैसा 2 पैसा जो भी चढ़ा के जाते हैं, मैं उन्हीं से अपना बाल बच्चों का परिवार जीवन यापन चलाता हूँ। इसके बाद आपने कहीं किसी को बताया या किसी अर्जी दी? हाँ, मैं ग्राम पंचायत में गया और फार्म भरा, सेक्रेटरी को दिए, सेक्रेटरी फार्म वार्म भर के लेके जमा कर दिए। आज तक उसकी कोई निरगत अभी तक नहीं निकला। आपको वृद्धा पेंशन मिलता है? नहीं मिलता भैया। पहले मिलता था? नहीं। आप अभी क्या करके अपना पालन पोषण करते हैं? बस नकली पता था ये भैया। आप अभी चल पर फिर लेते हैं? हाँ। और देख पाते हैं? नहीं देख पाते, क्या सिर्फ लड़कियाँ पकड़ पहले लड़का साथ। हाँ। ले जाते हैं कहीं माता राम जाते। यह वीडियो के माध्यम से मैं दिखाना चाहता हूँ कि छोटी पाली गांव के विकलांग या वृद्धा पेंशन न पाने से कैसे लोग अपना आजीविका चलाते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा वृद्धा पेंशन और विकलांग और विधवा पेंशन जो राशि दिया जाता है, इन्हें यह छोटी पाली गांव के 12 लोगों को भी यह पेंशन दिया जाए। यह सुविधा उमरिया जिले के सीओ साहब करेंगे। मैं रामलाल बैगा, ग्राम तखतपुर, ब्लॉक करकेली, जिला उमरिया, मध्य प्रदेश से, इंडिया अनहार्ट के लिए।